सबसे पहले बात आती है हमारे लिए कुछ और पॉइंट की, टिपिकल एलिमेंट। क्या होता है टिपिकल एलिमेंट? सेकेंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आर कॉल्ड टिपिकल। लिखते जाओ फास्ट। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आर कॉल्ड टिपिकल। सेकेंड एंड थर्ड एक्सेप्ट इनर्ट गैस, एक्सेप्ट इनर्ट गैस कॉल्ड दिस लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इधर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट्स। नेक्स्ट ब्रिज एलिमेंट्स। आपको अच्छे से मालूम है जैसे बेरिलियम दो एलिमेंट के बीच का है, कौन सा? एक तो बेरिलियम, मैग्नीशियम पूरा आ जाएगा, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो ये इस जगह आ गया। और दूसरा जिंदगी कैडबरी होगी, ये हो गया आपका सेकेंड ए और ये हो गया आपका सेकेंड बी। तो बेरिलियम हमारे लिए क्या हो गया? ब्रिज एलिमेंट। एक होता है डायगोनल रिलेशनशिप, कैसे हम सोचते हैं डायगोनल रिलेशनशिप को? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और यहां सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो ये हमारे लिए क्या है? डायगोनली है और ये हमारे लिए डायगोनल रिलेशनशिप है। तो जो मैंने बोला है उस पर पहला एग्जांपल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शो डायगोनल रिलेशनशिप? ए लिथियम मैग्नीशियम, बी कार्बन फास्फोरस, सी एल्यूमिनियम बोरोन, डी लिथियम सोडियम। पक्का सिंगल है मल्टीपल है? ओनली ए। अब ठीक है, इजी है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए। ठीक है, एक और एग्जांपल जो हमने पढ़ा है,
विच ऑफ द गैसियस एलिमेंट इज ए टिपिकल एलिमेंट ऑप्शन ए हाइड्रोजन बी ऑक्सीजन सी नियोन डी फ्लोरीन क्लोरीन अब सही है आंसर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं जल्दी बोलो बीडी लॉक कर दें बी डी आपको नहीं लगता ये सभी गैस है हाँ लेकिन हाइड्रोजन है ही नहीं और इनर्ट गैस को हमने लिया नहीं हाँ बोलो इसलिए आपने चलो ठीक चेक IUPAC नेमिंग ऑफ एटॉमिक नंबर भाई बात यह है कि जो साइंटिस्ट पैदा होता वो एक एलिमेंट बनाता और अपने नाम से या अपनी गर्लफ्रेंड के नाम से देने लग गया वो याद करना कितना टफ हो जाता है समझ रहे हैं ना आप अब किसी ने ऐसे ऐसे नाम दे दिए कि याद करने मुश्किल हो रहे हैं ऐसा लगा साउथ इंडियन नाम दे रहे हैं तो फिर जाकर IUPAC ने मीटिंग करी उन्होंने कहा भाई एलिमेंट्स के IUPAC नेमिंग की जाए लेकिन साइंटिस्ट है उन्होंने कहा भाई जो ऑक्सीजन है उसका नया नाम अब याद नहीं होगा जो नाइट्रोजन है उसका नया नाम याद नहीं होगा हमें वही याद आएगा तो फिर सेकंड मीटिंग में ये डिसीजन है कि 100 के बाद जो एलिमेंट है उनको आप अब IUPAC नेमिंग देंगे और उनसे पहले के जो उनके ट्रेडिशनल नाम है वही देंगे आयरन को आयरन ही बोलेंगे अब आप उनका IUPAC नेम नहीं है तब कैसे दिया जाएगा और क्या उनके सिंबल होंगे उसके लिए फिर मीटिंग हुई हर बार मीटिंग में समोसा चाय फ्री की तो क्या है वो हम बात करते हैं तो आप एक न्यूमेरिक नंबर और उसका रिप्रेजेंट मतलब उसको क्या बोलेंगे अपन नोमेनक्लेचर ही बोल दो आप उसका नोमेनक्लेचर क्या होगा तो अगर जीरो है तो जीरो को आप क्या बोलोगे निल और उसका सिंबल क्या होगा एन कैपिटल एन कोई दिक्कत ही नहीं निल अन वन को ठीक है फिर टू को थ्री को फोर को क्वाड फाइव को ऑक्ट नाइन को नल कहेंगे या कुछ और कहेंगे नहीं कहेंगे इन कहेंगे क्योंकि एन से पहले ही आ चुका है पक्का कोई दिक्कत ही नहीं तो बी टी क्यू पी एच एस ओ ई ये इनके सिंबल्स बनाने में काम आएंगे हमारे कितना इजी है अगर किसी का एटॉमिक नंबर 112 है तो इसको क्या इसका नाम क्या होगा अन अन बी एम बी आई यू एम वैसे आई यू एम लगेगा लेकिन दो आई एक साथ नहीं आ सकते तो आई यू एम और इसका सिंबल क्या होगा यू 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 बी फर्स्ट कैपिटल होगा बाकी सब स्मॉल होंगे ये फर्स्ट एग्जांपल सेकंड एग्जांपल अगर आपके पास 103 है तो अन निल अब दो एन एक साथ आएंगे हाँ या ना अनिल ट्रियम यू एन टी जो है लिख लो यार ज्यादा दिमाग मत लगाओ ठीक है
कोई डाउट नहीं है। दो एग्जांपल वैसे समझने के लिए बहुत है लेकिन आप मानेंगे नहीं। 109 के लिए आप अन निल एनियम यू एन ई बस लिख लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, सिंबल हो गया। इसके पुराने नाम बहुत खराब थे। चलिए ठीक, रदरफोर्डियम पता है क्या था? 104। हाँ फिर लड़ाइयाँ क्या होती है जर्मन और रशिया में, और बहुत ज्यादा थी, और जो एलिमेंट वहां निकलता था वही कहते थे हमने पहले बनाया हमने पहले बनाया। मैं मेरी फ्रेंड के नाम से रखूंगा नहीं मेरी, उस चक्कर में दो दो नाम हो गए।